दोस्तों, क्या आपने अभी अभी ऑडियो रिकॉर्ड किया लेकिन वो डिलीट हो गया और आपको पता नहीं है कि डिलीट हुए ऑडियो को वापस कैसे लाते हैं? तो इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोबाइल में डिलीट हुए ऑडियो को वापस कैसे लें। जी हाँ, बहुत ही आसान सा तरीका है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम जी और आपका राम जी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके फ़ोन में कोई एक साउंड रिकॉर्डर या ऑडियो रिकॉर्डर होगा जिसमें आप लोग ऑडियो को रिकॉर्ड करते होंगे। तो मान लीजिए मैंने अपना एक ये रिकॉर्डर ओपन कर लिया है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि देखिए, यहाँ पर ये जो थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले के रिकॉर्ड हुए जो ऑडियो है वो यहाँ पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ओके, तो मान लीजिए कि मैं इसमें से कोई जो है एक ऑडियो को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने ये ऑडियो डिलीट कर दिया है, यहाँ पर कोई ऑडियो नहीं है। लेकिन फिर भी जो है यहाँ से हम चाहें तो इस ऑडियो को दोबारा हम फेच कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो सेटिंग है उस पर ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको रिसेंटली डिलीट आइटम पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑडियो आपको मिल जाएगा और ये 30 दिन तक यहाँ पर रहता है। ओके, चलिए ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका जो है डिलीट हुए ऑडियो को वापस लाने का है, उसके लिए मैं आपको लाइव रिकॉर्ड बताऊंगा। लाइव जो है वीडियो में बताऊंगा रिकॉर्ड करके। तो मैं यहाँ पर कोई एक ऑडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ इसको चालू करता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम जी और आपका राम जी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा मोबाइल में डिलीट हुए ऑडियो को वापस लाने का तरीका। तो मैंने ये ऑडियो को मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। इसके बाद से मैं इसको कोई नाम देकर सेव कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर वॉइस मेल लिख देता हूँ, उसके बाद से ओके कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि एक जैसा आइकॉन यहाँ पर आ चुका है। थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मैंने जो ऑडियो अभी रिकॉर्ड किया है वो ऑडियो यहाँ पर आ चुका है। मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम जी और आपका राम जी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा मोबाइल में डिलीट हुए ऑडियो को वापस। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑडियो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। अब मैं इसको डिलीट करूँगा। मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर कोई नहीं है। ओके, अब आप यहाँ से जाकर जो है पुराना वाला मॉडल है आप तो यहाँ से ले सकते हैं रिसेंटली डिलीट आइटम से। लेकिन मान लीजिए आपने यहाँ से भी डिलीट कर दिया तो आप कैसे इसको पा सकेंगे, कैसे आप जो है डिलीट हुए ऑडियो या फिर वॉइस को रिकवर कर सकते हैं? इसके लिए आपको जाना होगा फाइल मैनेजर में। तो मैं यहाँ पर अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में जाता हूँ। उसके बाद से यहाँ पर आपको फाइल पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद से यहाँ पर जाने के बाद आपको एक फोल्डर जो है यहाँ पर ढूंढना होगा जिसका नाम है MIUI। MIUI फोल्डर में आपको साउंड रिकॉर्डर वाला फोल्डर मिल जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर साउंड रिकॉर्डर वाला फोल्डर ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब मैं आपको बता दूँ कि जिस चीज़ को जहाँ से आपने डिलीट किया वो सारे सारे यहाँ पर फोल्डर मिल जाते हैं। तो मैंने साउंड रिकॉर्ड किया था तो वो साउंड रिकॉर्डर वाला ऐप है, तो डेफिनेटली जो है दोस्तों यहाँ पर साउंड रिकॉर्डर वाले में आएगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखेंगे कि यहाँ पर जो भी हमने रिकॉर्ड किया है इसे ऐप रिकॉर्ड के लिए तो यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। उसके बाद से कॉल रिकॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है, यहाँ पर आपको मिलता है साउंड रिकॉर्डर। साउंड रिकॉर्डर में आपको मिलता है पहले नंबर पे एक जो है फोल्डर मिलता है, इसका नाम है ट्रेंस। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि वॉइस मेल डॉट MP3 यहाँ पर जो है हमने डिलीट किया था ऑडियो, वो ऑडियो यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब मैं इसको क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम जी और आपका राम जी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये वाला जो ऑडियो हमने वहाँ से डिलीट कर दिया था वो आपको यहाँ पर फाइल मैनेजर में मिल जाता है। यानी कि दोस्तों आप कोई भी ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं तो भी आप अपने फाइल मैनेजर में जाकर आसानी से इस जो है वॉइस को या ऑडियो को वापस ला सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।